वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, आज से हम कक्षा 10 ठीक है, कक्षा 10 की समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। मतलब आज से हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पॉइंट समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले समांतर श्रेणी, मतलब समझिएगा श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी श्रेणी का मतलब होता है बेटा किसी चीज का अनुक्रम। क्या बेटा? पॉइंट समझिएगा। क्या बेटा? मैंने बताया यहां पर किसी चीज का क्या अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुक्रम का मतलब होता है सीरीज। अनुक्रम का मतलब क्या होता है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, अनुक्रम का मतलब होता है बेटा सीरीज, यानी किसी चीज की क्या बेटा, अनुक्रम का मतलब क्या होता है बेटा, सीरीज। मतलब समझिएगा, सीरीज यानी किसी चीज की श्रेणी। अब अनुक्रम का मतलब क्या होता है, तो एक पॉइंट और बता दें। जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या बेटा, ठीक है, 8 के बाद मान लिया 10, 10 के बाद 12, 10 के 12 के बाद क्या बेटा 14। अब गौर से देखिएगा, इनके बीच क्या है, एक क्रम है। इनके बीच क्या है बेटा, एक क्रम है। अच्छा, मैं इसको और अच्छे से समझा दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिएगा गौर से, इनमें क्या है, एक एक का डिफरेंस है, अर्थात एक एक का क्या है बेटा, क्रम है। तो ये किसी ना किसी सीरीज पर है। इसमें भी देखिएगा, सॉरी, इसमें दो दो का क्या है बेटा, क्रम है, यानी दो दो का अंतर है। तो मतलब समझिएगा, ये क्या कहलाता है बेटा, तो ये सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सीरीज। तो ये जोड़ने या घटाने से क्या बनती है बेटा, सीरीज का निर्माण होता है। अब पॉइंट समझिएगा, वास्तविकता में यदि देखा जाए तो सीरीज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यानी गणित की भाषा में सीरीज को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें तो वो होता है बेटा समांतर श्रेणी। कौन सी बेटा? समांतर श्रेणी है। और नंबर दूसरी जो है तो उसको कहा जाता है बेटा गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहा जाता है बेटा? गुणोत्तर श्रेणी। मतलब समझिएगा, क्या कहा जाता है बेटा? गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। और नंबर जो तीसरी है उसे कहा जाता है बेटा हरात्मक श्रेणी। क्या कहा जाता है बेटा? हरात्मक श्रेणी कहा जाता है। तो श्रेणियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 3 प्रकार की होती हैं। पहली समांतर, दूसरी गुणोत्तर, तीसरी हरात्मक। अब पॉइंट समझिएगा, जो समांतर श्रेणी होती है तो इसका अध्ययन हमें क्लास 10th में करना है। यानी ये जो दो श्रेणियां हैं इनका अध्ययन आप 11th और 12th में करेंगे। परंतु अभी जो हम पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। मतलब समझिएगा, कठिन कुछ नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे, क्या तरीके होंगे। तो सबसे पहला, यानी जो टॉपिक आज हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेता हूं बेटा, 6, 8, 10, 12 और क्या लेता हूं बेटा, 14। अब पॉइंट समझिएगा, पॉइंट क्या बेटा, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का बेटा, 2 का। गौर से देखिएगा, यानी अगर क्या करने पर, पहला जो पद है उसको दूसरे पद बेटा, पहला पद जो है उसको दूसरे पद से घटाने पर, तथा दूसरे पद को तीसरे पद से घटाने पर, चौथे तीसरे पद को चौथे पद से घटाने पर, और चौथे पद को पांचवें पद से घटाने पर, यदि उनके बीच का अंतर समान होता है, उनके बीच का क्या बेटा, अंतर समान होता है, तो वो कौन सा क्रम होता है बेटा, तो वो समांतर श्रेणी होता है या समांतर क्रम होता है। मतलब समझिएगा, क्या होता है बेटा, समांतर क्रम होता है। यानी अगर उनके बीच का अंतर समान है तब वह क्या है बेटा, समांतर क्रम होता है। अब पॉइंट समझिएगा, अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई इसमें पूछ ले कि बेटा पहला पद कौन सा है, तो बेटा इसको मानते हैं A1। क्या मानते हैं बेटा? A1। इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, आगे जितने भी होंगे सब में वही देंगे, और जो अंतिम का पद होगा उसे देंगे अंतिम का पद। मतलब समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समझिएगा क्या, ठीक है। कई बार पूछता है कि भाई पदांतर, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पदांतर या सार्वांतर क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, पदांतर या सार्वांतर क्या होता है, यानी जैसे मैंने कहा कि दूसरे पद को, दूसरे पद
ठीक है, से पहले पद को घटाएंगे, या तीसरे से दूसरे को, चौथे से तीसरे को, पांचवें से चौथे को। तो मतलब समझिएगा क्या, अर्थात ए टू माइनस ए वन बराबर क्या होता है, डी होता है। यानी सार्वंतर, यानी उनके बीच का अंतर, यानी उनके बीच का जो सार्वंतर अर्थात जो समान अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है, या उसी को बेटा पदांतर कहा जाता है। अब पॉइंट समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ए वन यानी पहला पद कहां है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका पहला पद है वो यहां पर कितना है बेटा, 6। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सार्वांतर क्या बेटा, सार्वांतर या पदांतर, क्या बेटा पदांतर ये कहां है, तो ध्यान रखिएगा सार्वांतर या पदांतर क्या है बेटा, तो 2 है, यानी इसको क्या बोला जाता है, तो इसको डी बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ए वन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? तो इतने पॉइंट समझ में आया ना। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, क्या था बेटा, इंट्रोडक्शन। अब देखिएगा अगले वीडियो में आपको मैं एग्जाम्पल वाइज यानी पूरे एग्जाम्पल बताऊंगा, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल विधि से विध पूर्वक आपको बताऊंगा। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं, इसमें आपको बताना क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको पहला पद और सार्वांतर बताना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर जैसे मैंने कहा था, इसको मानेंगे ए वन, ए टू, ए थ्री, और इसको क्या मानेंगे बेटा, ए फोर, डॉट डॉट। तो यहां पर देखिएगा A1 बराबर कितना है बेटा, 100। अब मैंने कहा था, ठीक है, कि सार्वांतर, अब गौर से समझिएगा, यदि इसको इससे माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यानी 70 में माइनस करेंगे 100, तो माइनस का कितना आएगा बेटा, 30। 40 में 70, माइनस का 30। 10 में 40, तो माइनस का कितना बेटा, 30। एक चीज ध्यान से समझिएगा, यानी इसमें जो D बराबर आएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस का 30, अर्थात सार्वांतर क्या बेटा, सार्वांतर। तो ध्यान रखिएगा जो सार्वांतर आएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस का कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। अब एक पॉइंट और समझिएगा, पॉइंट क्या समझिएगा, जो हमारा सार्वांतर है वह बेटा धनात्मक, क्या बेटा, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकता है बेटा, तो शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इतने पॉइंट समझ में आए ना, ठीक है। जो हमारा पॉइंट है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, तो कौन शून्य हो सकता है बेटा, सार्वांतर हमारा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, शून्य भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, तो इतने पॉइंट समझ में आए ना। तो इसमें ए वन 10 अर्थात पहला पद, तो पहला सॉरी ए वन बराबर कितना है 100, तो पहला पद बराबर कितना है बेटा, तो पहला पद कितना है बेटा 100। समझ में आया ना।